further investigation, section 173, subsection 8 of CRPC. First question is, what is the scope and ambit of further investigation? अब जो 2020 में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है वीनू भाई हरी भाई मालविया वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, इस जजमेंट के आने के बाद क्या मैजिस्ट्रेट फर्दर इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट कर सकते हैं पोस्ट कॉग्नाइजेंस स्टेज में ही, या सिर्फ प्री कॉग्नाइजेंस स्टेज में ही मैजिस्ट्रेट फर्दर इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट कर सकते हैं? इसके अलावा कुछ और पॉइंट्स, जैसे कि क्या पब्लिक प्रोसिक्यूटर एप्लीकेशन लगा सकता है कोर्ट में, मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में, या फिर क्या मैजिस्ट्रेट खुद से ये डिसाइड कर सकते हैं अगर कोई पार्टी ने कोई एप्लीकेशन नहीं लगाई है, कोई प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल नहीं हुआ है, कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट करना है? इस तरह के कई सवाल हैं जिसका आंसर आपने फर्दर इन्वेस्टिगेशन में समझना होगा, अगर फर्दर इन्वेस्टिगेशन के कॉन्सेप्ट को समझना है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन है क्या, व्हाट इज इट। तो एज यू ऑल नो कि सेक्शन 173(2) में पुलिस रिपोर्ट फाइल करती है, जिसको आप चलान भी कहते हैं। और जब पुलिस रिपोर्ट फाइल होती है तो पुलिस क्या करती है, आइदर पुलिस ये कहती है कि जो अक्यूज्ड हैं, जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया तो वहां पर वो बता देती है कि हाँ जी FIR में इस लोगों के नाम है, या फिर इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पर्सन अक्यूज्ड बनाए गए हैं। और अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर एविडेंस है तो वो चार्जशीट फाइल करती है, और चार्जशीट में दो ही बातें हो सकती हैं, या तो वो कोर्ट को कहेगी कि हाँ पर्याप्त एविडेंस है आप कॉग्नाइजेंस लें, या फिर वो कहेगी कि आप इसमें क्लोजर रिपोर्ट फाइल करेगी पुलिस। दो ही बातें हो सकती हैं कि पुलिस या तो क्लोजर रिपोर्ट फाइल करेगी, या फिर जो भी एविडेंस उसने कलेक्ट किया है वो मैजिस्ट्रेट के सामने वो लेकर आएगी। अब अगर उसने जब चार्जशीट उसने फाइल कर दिया पुलिस ने, तो पुलिस के चार्जशीट फाइल करने के बाद मैजिस्ट्रेट ने डिसाइड करना है आफ्टर गोइंग थ्रू चलान और चार्जशीट की क्या करना है, कॉग्नाइजेंस लेना है सेक्शन 190 सीआरपीसी में या नहीं लेना है, सेक्शन 190 में कॉग्नाइजेंस लेना है या नहीं लेना है। कॉग्नाइजेंस कहने का मतलब है बाय अप्लाइंग जुडिशियल माइंड इट हैज टू डिसाइड वेदर दिस केस इज फिट फॉर ट्रायल ऑफ नॉट, कि क्या ये केस ट्रायल के लिए फिट है या नहीं, बस यही कहने का मतलब होता है कॉग्नाइजेंस का। तो पुलिस रिपोर्ट को देखने के बाद मैजिस्ट्रेट ने यह डिसाइड करना है कि कॉग्नाइजेंस लेना है या नहीं लेना है। अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि इसमें ड्रॉप कर देना है तो ड्रॉप करना है, अगर मैजिस्ट्रेट को लगता है कॉग्नाइजेंस लेना है तो उसमें कॉग्नाइजेंस वो ले लेगी, और आगे फिर उसके बाद जो चार्ज फ्रेम होता है, जब कॉग्नाइजेंस ले लिया तो फिर आगे चार्ज फ्रेम होगा, ट्रायल शुरू होगी। लेकिन अगर मान लो कि पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी है, तो वहां पर दो तीन बातें हो सकती हैं, जो प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल हो सकता है कि पुलिस ने ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं किया है, ये भी हो सकता है कि मैजिस्ट्रेट को भी ऐसा लग सकता है कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो उसमें लैक्यूना है, जो प्रॉपर तरीके से उसको कंडक्ट नहीं किया गया है। अब यहाँ पर मैजिस्ट्रेट के पास ऑप्शंस होते हैं कि मैजिस्ट्रेट क्या करेगी, मैजिस्ट्रेट या तो क्लोजर रिपोर्ट को एक्सेप्ट करके प्रोसीडिंग्स को ड्रॉप कर देगी वहीं पर, या फिर मैजिस्ट्रेट उसमें क्या कर सकती है, जो प्रोटेस्ट पिटीशन है उसको एक्सेप्ट कर सकती है, कॉग्नाइजेंस ले सकती है आफ्टर गोइंग थ्रू, अगर उसको चार्जशीट को देखने के बाद ऐसा लगता है कि नहीं पर्याप्त एविडेंस है, या फिर वो ये भी कर सकती है कि अगर मान लो प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल हुआ है तो प्रोटेस्ट पिटीशन को एज ए कंप्लेंट भी ले सकती है, और एज ए कंप्लेंट लेकर के फिर वो सेक्शन 200 में जो कंप्लेंट प्रोसीजर है उसके ऊपर चल सकती है। तो अभी मैं प्रोटेस्ट पिटीशन और उस पर ज्यादा फोकस नहीं कर रहा हूं, अभी मैं आ रहा हूं 173(8) के ऊपर, फर्दर इन्वेस्टिगेशन के ऊपर। तो यहां पर ही जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट फाइल कर दी है, तो वहां पर अब अगर उसको लगता है या जो पार्टीज है उसने प्रोटेस्ट पिटीशन फाइल किया है, अब अगर वहां पर मैजिस्ट्रेट को लगता है कि हाँ इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर नहीं हुई है, तो वो वहां पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट कर सकती है कि पुलिस ने इस केस को दोबारा इन्वेस्टिगेट करना है। तो जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो ये है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन का स्कोप और एम्बिट क्या है। क्या फर्दर इन्वेस्टिगेशन कहने का मतलब फ्रेश इन्वेस्टिगेशन होता है, या री इन्वेस्टिगेशन होता है,
या डीनोवो इन्वेस्टिगेशन होता है, ऐसा होता है क्या? तो इसका आंसर सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ये जजमेंट है, मीठू भाई पाशा भाई पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात 2009 की जजमेंट है। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन वॉज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द अर्लियर इन्वेस्टिगेशन एंड नॉट अ फ्रेश इन्वेस्टिगेशन और री इन्वेस्टिगेशन और डीनोवो इन्वेस्टिगेशन। कहने का मतलब क्या है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन वही इन्वेस्टिगेशन है जो कंटिन्यू किया गया है, जो पिछला इन्वेस्टिगेशन है उसी को कंटिन्यू किया गया है, जो पहले चल रहा था, जो पहले इन्वेस्टिगेशन चल रहा था उसको ही कंटिन्यू किया गया है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन कहने का मतलब फ्रेश इन्वेस्टिगेशन या री इन्वेस्टिगेशन या फिर डीनोवो इन्वेस्टिगेशन नहीं है कि पुराने सारे इन्वेस्टिगेशन को वाइप आउट करके नया इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया गया, ऐसा नहीं है। तो ये फर्स्ट पॉइंट है। अब सेकेंड पॉइंट के ऊपर आ जाओ। सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि क्या कोर्ट में ये ग्राउंड लिया जा सकता है कि यहाँ पर पुलिस ने या सॉरी अगर मान लीजिए अगर फर्दर इन्वेस्टिगेशन कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, मैजिस्ट्रेट ने ऑर्डर कर दिया, क्योंकि मैजिस्ट्रेट की पावर है कॉग्नाइजेंस लेने की, तो क्या वहां पर ऐसा हो सकता है कि प्ली डिले का प्ली लिया जाए, ऐसा संभव है? या फिर उसको एक्सेप्ट करके कोर्ट मना कर देगी फर्दर इन्वेस्टिगेशन से कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन इसमें नहीं करेंगे क्योंकि इसमें इससे ट्रायल डिले हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन को आंसर किया, नेक्स्ट पार्ट के ऊपर आ जाओ। जो नेक्स्ट पार्ट है जजमेंट का, जस्ट होल्ड ऑन, इसको मैं स्क्रीन को नीचे कर दूं, स्क्रीन को लो। राइट अब आ जाओ, ये प्ली ऑफ डिले के ऊपर आ जाओ। अब प्ली ऑफ डिले में ये जजमेंट है आपकी स्क्रीन पर, हसन भाई बल्ली भाई कुरैशी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, ये 2004 की जजमेंट है। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि सिर्फ इस ग्राउंड पर कि फर्दर डिले हो सकता है इन कंक्लूडिंग द ट्रायल, फर्दर इन्वेस्टिगेशन को कोर्ट मना नहीं करेगी, क्योंकि जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है उसका ऑब्जेक्ट ये है कि कोर्ट को जो ट्रुथ है वहां तक पहुंचना, वहां तक उस ट्रुथ तक पहुंचना, क्योंकि जो जो उद्देश्य है, जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि रियल एंड सब्सटेंशियल जस्टिस हो वहां पर। अगर मान लो कि जो एविडेंस है, जो इन्वेस्टिगेशन है वो प्रॉपर कंडक्ट नहीं की गई है और डिले के ग्राउंड पर वहां पर उसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट नहीं किया जाएगा, तो नेचुरली जो जो अक्यूज्ड है जिसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए उसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी, या फिर अगर किसी की फॉल्स इम्प्लीकेशन हो गई है किसी केस में तो वहां पर उसकी अक्विटल भी नहीं होगी। तो कहने का मतलब है कि दोनों ही बातें हैं यहाँ पर। तो हसन भाई बल्ले भाई कुरैशी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात की जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा है, हैंड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन एजेंसी फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन शुड नॉट बी टाइड डाउन ऑन द ग्राउंड ऑफ मेयर डिले, मेयर फैक्ट दैट देयर मे बी फर्दर डिले इन कंक्लूडिंग द ट्रायल शुड नॉट स्टैंड इन द वे ऑफ फर्दर इन्वेस्टिगेशन इफ दैट वुड हेल्प द कोर्ट इन अराइविंग एट द ट्रुथ एंड डू रियल एंड सब्सटेंशियल इफेक्टिव जस्टिस। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज whether further investigation can be ordered during or after trial. इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि क्या further investigation post cognizance stage में भी direct किया जा सकता है, क्या further investigation post cognizance stage में भी direct किया जा सकता है? तो ये very recent judgment इस point के ऊपर जो जो screen के ऊपर आपको दिख रही है, बीनू भाई हरी भाई मालविया versus स्टेट ऑफ गुजरात एंड अनदर, ये जजमेंट आई है 16th अक्टूबर 2019 में, ये जजमेंट आई थी 16th अक्टूबर 2019, वीनू भाई हरी भाई मालवीय वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात।
इसी केस में इस क्वेश्चन को आंसर किया गया कि क्या फर्दर इन्वेस्टिगेशन पोस्ट कॉग्नाइजेंस स्टेज में भी डायरेक्ट कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको समझना ध्यान से। आपको पता है अभी मैंने डिस्कस किया पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दी, इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट फाइल कर दी। अब मजिस्ट्रेट ने कॉग्नाइजेंस लेनी है। मैजिस्ट्रेट ने अगर वहां पर चार्जशीट के अकॉर्डिंग उसने पुलिस रिपोर्ट के ऊपर कॉग्नाइजेंस लेनी है तो उसने सेक्शन 190 में ले ली। अगर नहीं लेनी है, अगर उसको लगता है कि इन्वेस्टिगेशन में लैक्यूना है, जांच ठीक से नहीं हुई है, तो वो पुलिस को डायरेक्ट कर सकती है 173(8) में फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए। राइट, ये बात तो क्लियर है। प्री कॉग्नाइजेंस में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि प्री कॉग्नाइजेंस स्टेज में कर सकती है, लेकिन बात आती है पोस्ट कॉग्नाइजेंस स्टेज की, बात आती है बिफोर ट्रायल। क्या बाद में भी क्या मैजिस्ट्रेट डायरेक्ट कर सकते हैं फर्दर इन्वेस्टिगेशन? तो इसको सुप्रीम कोर्ट ने आंसर किया है। जो रेशियो की इंपॉर्टेंट लाइंस है वो यहां पर मैंने आपके लिए एक्सट्रैक्ट किया है। पैरा 38 को जब आप देखेंगे तो वहां सुप्रीम कोर्ट कह रही है, जस्टिस नरीमन कह रहे हैं, to say that a fair and just investigation would lead to a conclusion that the police retain the power subject of course to the magistrates not under section 173(8) to further investigate an offence till charges are framed but that the supervisory jurisdiction of the magistrate suddenly ceases midway through the pre-trial proceedings would amount to a travesty of justice as certain cases may cry out for further investigation so that an innocent person is not wrongly arraigned as an accused. यहां पर ये आरएफ नरीम जस्टिस नरीमन ये कह रहे हैं कि अगर मैजिस्ट्रेट की जो सुपरवाइजरी ज्यूडिक्शन है, अगर आप मिडवे ही उसको आप बंद कर देंगे, आप उसकी उस पावर को सीज कर देंगे, तो नेचुरली ऐसा हो सकता है कि कोई केस ऐसा है जिसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन जरूरी है और वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन अगर नहीं हुई तो एक इनोसेंट बंदा चला जाएगा, एक इनोसेंट पर्सन अक्यूज्ड के रूप में वो आ जाएगा जबकि उसको नहीं आना चाहिए, ऐसा हो सकता है। आगे इस कोर्ट में ये कहा गया है, आगे इस जजमेंट में ये कहा गया है सॉरी, और दैट अ प्राइमा फेसाई गिल्टी पर्सन इज नॉट सो लेफ्ट आउट। दोनों ही बातें हो सकती है, कोई गिल्टी पर्सन भी छूट सकता है, कोई वो भी हो सकता है। तो यहां पर कोर्ट ने कहा है, देयर इज नो वारंट फॉर सच अ नैरो एंड रिस्ट्रिक्टिव व्यू ऑफ द पावर ऑफ द मैजिस्ट्रेट पर्टिकुलरली व्हेन सच पावर्स आर ट्रेसिएबल टू सेक्शन 156(3), रीड विद सेक्शन 156(1), सेक्शन 2H एंड सेक्शन 173(8) ऑफ द सीआरपीसी। अब देखो यहां पर फर्दर इन्वेस्टिगेशन को आप समझते हैं 173(8) से सिर्फ। अब यहां पर चार सेक्शंस आपको दिख रहे हैं, 156(3) दिख रहा है जहां पर रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर के लिए डायरेक्ट कर सकती है। मान लो कोई केस ऐसा है, कंप्लेंट केस है, मान लो केस फाइल हुआ, कंप्लेंट फाइल हुआ, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, कोर्ट को लगा कि नहीं इसमें जो एविडेंस है वो कोर्ट के लिए पॉसिबल नहीं है बिना पुलिस के कलेक्ट कर पाना, पुलिस की हेल्प जरूरी है, कोर्ट ने कहा कि इसमें एफआईआर रजिस्टर करो, तो नेचुरली फिर उसमें पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करना है, पुलिस रिपोर्ट फाइल करनी है, फिर उसी पुलिस रिपोर्ट के बेसिस पर कॉग्नाइजेंस लेना है। उसी और सेक्शन 2H को देखेंगे तो वहां पर इन्वेस्टिगेशन वर्ड को डिफाइन किया गया है, सेक्शन 173(8) में बता रहा हूं आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात कर रहा है। तो ये इन तीनों को एक साथ आपने चारों को ही देखना है। तो ये कह रहे हैं कि एज हैज बीन नोटिस्ड हियर इन अबव एंड वुड बी अवेलेबल एट ऑल स्टेजेज ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ अ क्रिमिनल केस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एट ऑल स्टेजेज ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ अ क्रिमिनल केस बिफोर द ट्रायल एक्चुअली कमेंसेस। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो बिफोर द ट्रायल एक्चुअली कमेंसेस, तो ट्रायल कब कमेंस होता है? ट्रायल क्रिमिनल केस में कमेंस होता है चार्ज फ्रेम होने से, आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। अगर चार्ज फ्रेम नहीं हुआ है तो ट्रायल कमेंस नहीं हुआ है। ऐसा हरदीप सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट है। तो यहां पर ये अब लिबर्टी यहां पर इसको क्या डिसाइड किया गया कि पावर जो मैजिस्ट्रेट की है
वो मैजिस्ट्रेट कब तक एक्सरसाइज कर सकते हैं? जब तक ट्रायल कमेंस नहीं हुआ है, मतलब चार्ज फ्रेम होने से पहले वो तक वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन की पावर को कमेंस कर सकते हैं, पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो जो कंक्लूजन क्या है कि जो प्री कॉग्नाइजेंस स्टेज है उसमें भी और जो पोस्ट कॉग्नाइजेंस स्टेज है उसमें भी, बिफोर द ट्रायल एक्चुअली कमेंसेस, मतलब चार्ज फ्रेम होने के पहले तक आप वहां पर मैजिस्ट्रेट पावर को एक्सरसाइज कर सकती है, और ये पावर मैजिस्ट्रेट सुओ मोटो भी एक्सरसाइज कर सकती है। दिस पावर बी एक्सरसाइज सुओ मोटो बाय द मैजिस्ट्रेट हिमसेल्फ डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट्स ऑफ इच केस। तो दिस इज वॉट बीनू भाई हरी भाई मालवीय केस सुप्रीम कोर्ट हैज लेड डाउन। दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आगे आप देखो तो इसमें कंक्लूड क्या करती है सुप्रीम कोर्ट, व्हेन 156(3) ऑफ सीआरपीसी स्टेट्स दैट मैजिस्ट्रेट इंपावर्ड अंडर सेक्शन 190 सीआरपीसी मे ऑर्डर सच एन इन्वेस्टिगेशन, सच मैजिस्ट्रेट मे आल्सो ऑर्डर फर्दर इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 173(8)। जब 156(3) में सीआरपीसी में मैजिस्ट्रेट इंपावर्ड है, जब तो उसी तरह से सच मैजिस्ट्रेट मे आल्सो ऑर्डर फर्दर इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 173(8) regard being had to definition of investigation contained in section 2H, right? तो कहने का मतलब है कि criminal trial commence नहीं होता है cognizance लेने से, criminal trial commence होता है जब charges frame होते हैं उसके बाद से, और इसलिए conclusion यहाँ पर ये है कि charge frame होने से पहले तक मैजिस्ट्रेट फर्दर इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट कर सकती है अंडर सेक्शन 173 सबसेक्शन 8 ऑफ सीआरपीसी, राइट। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कि कौन सी एजेंसी है जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन डन करेगी, क्या वही एजेंसी, क्योंकि पहले शुरू में हमने समझ लिया कि जो 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 ये इन्वेस्टिगेशन है फर्दर इन्वेस्टिगेशन, ये फ्रेश इन्वेस्टिगेशन नहीं है, ये री इन्वेस्टिगेशन नहीं है, ये कंटिन्यूटी है उसी इन्वेस्टिगेशन की, जो अर्लियर इन्वेस्टिगेशन है उसी की कंटिन्यूएशन है। तो नेचुरली जब कंटिन्यूएशन है उसकी, तो ये क्या वही एजेंसी करेगी जो एजेंसी पहले कर रही थी, क्या ये वही एजेंसी करेगी जो पहले कर रही थी, या फिर कोई दूसरी एजेंसी भी इसको कर सकती है। अब यहां पर ये जजमेंट है आपके सामने, के चंद्रशेखर वर्सेस स्टेट ऑफ केरला की जजमेंट है, स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रही होगी। दूसरी जजमेंट है यहां पर मीठू भाई पाशा भाई पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात, ये 2009 की जजमेंट है। तो इन दोनों ही जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट, यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन कैन बी कंडक्टेड ओनली बाय द सेम एजेंसी विच कंडक्टेड द अर्लियर इन्वेस्टिगेशन। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो वेरी दैट वेरी सेम एजेंसी विच कंडक्टेड द अर्लियर इन्वेस्टिगेशन विल ऑल्सो कंडक्ट द फर्दर इन्वेस्टिगेशन, राइट। तो ऐसा कोई बाइंडिंग, और मान लो कि पहले अगर पुलिस ने, स्टेट पुलिस ने कराए तो बाद में सीबीआई नहीं कर सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, क्या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने अगर कोई ऐसा रिक्वेस्ट नहीं किया है, लेकिन पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या खुद से ही पिटीशन फाइल कर सकता है, वेदर पब्लिक प्रोसिक्यूटर हिमसेल्फ हैज द राइट और अथॉरिटी टू फाइल अ पिटीशन अंडर सेक्शन 173 सबसेक्शन 8 सीआरपीसी सीकिंग फर्दर इन्वेस्टिगेशन। तो इसका आंसर आपको मिलता है कि ऐसा हो सकता है, अगर ऐसा किया गया है, अगर मान लो बिना रिक्वेस्ट के, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर की रिक्वेस्ट के बिना ही, अगर मान लो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को ऐसा लगता है कि वहां पर वो कोर्ट का अटेंशन ड्रॉ करना चाहता है कि सेक्शन 173(8) में पावर को एक्सरसाइज इन्वोक किया जाए और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए डायरेक्ट किया जाए, तो देन कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट विल अप्लाई हिज माइंड और उसके बाद डिसाइड करेगी कि क्या ये नेसेसरी है, क्या ये जरूरी है कि यहाँ पर 173(8) की पावर को एक्सरसाइज किया जाए, इन्वोक किया जाए। और अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है इस बात से कि हाँ यहाँ पर 173(8) को एक्सरसाइज करके फर्दर इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट करना चाहिए, तो वो वहां पर उसको डायरेक्ट कर देगी, और या नहीं तो फिर अगर उसको लगता है कि ऐसा नहीं किया जाना चाहिए तो वो जो उसको रिजेक्ट कर देगी जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने एप्लीकेशन लगाई है, राइट। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कि क्या कोर्ट खुद से ऐसा कर सकती है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट कर सकती है, तो इसका आंसर आपको मिलता है विनय त्यागी वर्सेस इरशाद अली की जजमेंट में, 2013 की जजमेंट है ये, विनय त्यागी वर्सेस इरशाद अली।
इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि यस कोर्ट ऐसा कर सकती है, फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑन इट्स ओन मोशन डायरेक्ट कर सकती है अगर कोर्ट को पता लगता है कि कोई लैप्सेस है, कोई डिफेक्ट है, कोई लैक्यूना है इन्वेस्टिगेशन में और फर्दर इन्वेस्टिगेशन किया जाना चाहिए तो वहां पर कर सकती है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है विनय त्यागी वर्सेस इरशाद अली की जजमेंट में। अब नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। अब ये क्या स्वो मोटो लेने का सुपीरियर कोर्ट को भी पावर है? जहां पर चार्जशीट फाइल हो गई है तो क्या वहां पर ये पावर है कि सुपीरियर कोर्ट्स वहां पर पावर एक्सरसाइज कर सकती है? तो यहां पर देखो कुछ स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस सीबीआई की जजमेंट है 2011 की, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, वेयर चार्जशीट हैज बीन फाइल्ड एंड द हाई कोर्ट हेल्ड दैट सेम कैन नॉट लिमिट और अफेक्ट द इनहेरेंट पावर ऑफ द हाई कोर्ट टू पास एन ऑर्डर अंडर सेक्शन 148 सीआरपीसी फॉर फ्रेश इन्वेस्टिगेशन और री इन्वेस्टिगेशन इज नेसेसरी टू सर्व द एंड्स ऑफ जस्टिस। दिस वॉज अ केस वेयर सीनियर फंक्शनरीज ऑफ द स्टेट पुलिस एंड पॉलिटिकल लीडर्स वर इन्वॉल्व्ड एंड जस्टिस वुड नॉट बी डन इफ लोकल पुलिस इन्वेस्टिगेटेड एंड देयर बाय द हाई कोर्ट गिवन डायरेक्शंस अंडर सेक्शन 482 सीआरपीसी फॉर फ्रेश इन्वेस्टिगेशन बाय सीबीआई। तो यहां पर ये फ्रेश इन्वेस्टिगेशन के लिए वहां पर सीबीआई को डायरेक्ट किया गया है और जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन है वहां पर वो तो नेचुरली वो तो जो कंटिन्यूटी ऑफ होती है उसी इन्वेस्टिगेशन की, तो जो ऊपर की कोर्ट है जो हायर कोर्ट्स है वो किसी केस में फ्रेश इन्वेस्टिगेशन डायरेक्ट कर सकती है। तो ये था फर्दर इन्वेस्टिगेशन के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स थी, अलग अलग जो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स थी वो है। अब यहां पर अब इसमें हम डिस्कस करेंगे जो सेक्शन 173(8) में जो बेयर एक्ट कहती है, जो सीआरपीसी बेयर एक्ट क्या कहती है, अब उसको समझते हैं।